बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन है आप सभी का एक बार फिर से एक नए वीडियो में। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के छात्र छात्राएं बहुत बेसब्री से विश्वविद्यालय खुलने का इंतजार कर रहे हैं, और स्वाभाविक सी बात है जब पीजी वालों के लिए विश्वविद्यालय खुल गया है तो यूजी वाले कहां पीछे रहे। तो इसी वजह से मैं आज इस मुद्दे पर चर्चा आपसे करने आया हूँ, एक ऐसी जानकारी आपको देने आया हूँ जो आपके लिए जानना बहुत आवश्यक है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय खुले या अभी नहीं खुल रहा है, जो भी आगे डिसीजन होगा वो आपको बताया जाएगा, लेकिन इसके साथ साथ जो यूजी के छात्र हैं यानी बीएससी बीए और बीकॉम के जो छात्र हैं उनके लिए क्या स्ट्रैटेजिक तरीके से आपको क्या आगे की रणनीति रहने वाली है, इस विषय में आपसे आज बातें करने वाला हूं मैं। रही बात की विश्वविद्यालय खुलने की, तो अभी तो जो सूचनाएं आई हैं वो सूचना सिर्फ यही आई है कि पीजी वालों की जो कक्षाएँ हैं वो 1 अक्टूबर से कोविड के नियमों का पालन करते हुए ऑफलाइन चलेंगी। अनशनरत छात्र हैं, धरना लगातार चल रहा है, विश्वविद्यालय ने भी ये बातें कही हैं कि आगे आने वाले समय में सिचुएशन को देखते हुए यूजी की कक्षाओं का ऑफलाइन संचालन होगा, लेकिन अभी इस पर कोई निर्णय नहीं आया है। अब समस्या ये है हम सभी छात्रों के लिए कि हमारा पेपर सबसे पहले ऑनलाइन जो है 3 मासिक परीक्षाओं के लिए कहा गया है। इलाहाबाद विश्वविद्यालय से उसकी नोटिफिकेशन भी आ चुकी है, सारे विभागों को इसकी सूचना दी जा चुकी है। अच्छा, आप ये जानिए, विश्वविद्यालय अगर खुलेगा यूजी के लिए, मैं पहले से ही आपको कुछ अपडेट दे रहा हूँ, अगर सपोज़ दैट विश्वविद्यालय यूजी के लिए खुलेगा तो वो खुलेगा तभी जब आपकी प्रथम मासिक परीक्षाएं संचालित हो जाएंगी, यानी कि 20 से लेकर 22 के बीच में तो डेट आपकी दी गई है, जो मतलब जो भी आपकी अक्टूबर में जो मासिक परीक्षा का निर्धारण है कि इसी डेट के बीच होगी, तो पहले तो आपकी वो ऑनलाइन परीक्षा सम्पन्न होगी इसी के लिए। उसके बाद खुलेगा विश्वविद्यालय तो वो बात की बात है, लेकिन पहली बात यह है कि आपको इसके लिए तैयारी करनी रहनी चाहिए, तैयारी आप लोग करते रहिए। मैं पहले से बता रहा हूँ कि ऑनलाइन परीक्षाएं बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर योर एग्जामिनेशन एंड फाइनल रिजल्ट ऑफ योर एग्जामिनेशन। कोविड की तीसरी लहर आए या ना आए अभी कुछ नहीं पता किसी को, लेकिन रही बात की विश्वविद्यालय अगर ऑफलाइन खुल जाता है, अभी तो खुलने का कोई चांस नहीं है, चांस इसलिए नहीं है क्योंकि पहले तो पीजी की कक्षाएँ चलेंगी, स्टेप वाइज आपका एक क्लास खोलेंगे, लगातार चल रहा है, हो सकता है 20 के बाद खोले आपका, 25 के बाद खोले, लेकिन पहली मासिक परीक्षा आपकी ऑनलाइन संचालित होगी। आप ये बहुत कान खोल के सुन लीजिए, बहुत ध्यानपूर्वक आप ये सूचना जान लीजिए। इसके लिए आपको अपने ऑफिशियल ग्रुप में, जो विश्वविद्यालय का ग्रुप है उसमें आपको ऐड होना पड़ेगा। इसके साथ साथ आप अपनी तैयारी करते रहिए, मैं बार बार कह रहा हूँ कि अपनी पढ़ाई को लेकर आप सीरियस हो जाइए, और अभी आपके पास 20 से 25 दिनों का समय है, इसमें आप लोग अच्छी तरीके से नोट्स को प्रिपेयर करिए, क्लास अटेंड करिए। अगर आप दूसरे टीचर की क्लास करते हैं तो, लेकिन कम से कम अपने सेक्शन में आप इनरोल्ड हो जाइए। जो पेपर आएगा वो आपके ऑफिशियल ग्रुप में ही पेपर आएगा, जो टीचर आपके लिए पेपर भेजेंगे। साथ ही साथ आप अपनी ईमेल आईडी को रजिस्टर्ड करवाइए, जो भी जैसे भी नोटिफिकेशन होगी, जो भी ऑफिशियल ग्रुप में जो भी सूचना आपको दी जा रही है उन सूचनाओं का बहुत ही अच्छी तरीके से आप पालन करिए, और किसी भी फेर में न रहिए कि पेपर विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुल जाएगा तो पेपरवा होगा नहीं। पेपरवा तो होगा ही, पेपरवा तो आपको देना ही पड़ेगा, आप ये जान लीजिए। इसके साथ साथ आई कार्ड के लिए कोई आप परेशान न होइए, प्रमोशन सर्टिफिकेट के लिए भी बिल्कुल परेशान न होइए। जब भी आपको समय मिले पिनान से 1 महीने 2 महीने के बीच में आके जो कुछ भी लीजिए तब लीजिए। ये सब चीज़ें तब जरूरी होती हैं जब विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुलता है। आई कार्ड आपके लिए तब जरूरी है जब विश्वविद्यालय ऑफलाइन खुलेगा, तब आपको आई कार्ड दिखाना होगा। अभी आप लोग अपने घर पे हैं, तो विश्वविद्यालय खुलने के पहले हॉस्टल का अलॉटमेंट होगा, सारी प्रक्रियाएं होंगी, इस प्रक्रिया को पूरा होते होते लगभग अक्टूबर पूरा बीत जाएगा। इसलिए प्रथम मासिक परीक्षा के लिए तैयारी आप लोग करते रहिए, परीक्षा ऑनलाइन होगी, अच्छी तरीके से आप ऑफिशियल ग्रुप में ऐड हो जाइए, नोट्स बनाइए, पढ़ाई करते रहिए। समय बहुत व्यतीत हो रहा है, और अगर आप समय ऐसे बिताएंगे तो समय आपको बहुत पीछे छोड़ देगा। सारी चीज़ें अपने सही समय पर चलेंगी, ऑफलाइन कक्षाएँ भी चलेंगी, सब कुछ होगा, लेकिन आपका काम प्रथम दायित्व छात्र का होता है कि पढ़ाई करना। आप लोग पढ़ाई करते रहिए, कर्मणेवाधिकारस्य मा फले सुखदाचन, माँ कर्म फल हेतु भूर्मा माते संगोस्त कर्मणि, कर्म करते रहिए, फल की इच्छा न करिए। इसके साथ साथ बहुत बहुत धन्यवाद अभिनव द्विवेदी, निवर्तमान कला संकाय प्रतिरिक्षा संघ इलाहाबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय, धन्यवाद।